जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। देखो अब तो दिल को राहत मिली होगी। हाँ सर, एक क्वेश्चन तो लाए जो देखने में लग रहा है कि हमसे हो जाएगा, आया ना। तो देखो, डी बाई डी एक्स का जो डैगर होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स, है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जो डी बाई डी एक्स का एन और उसका जो डैगर होगा That will be equals to minus d by dx की पावर n, है ना। बोलो तो अगर n odd है तो वो काम नहीं करेगा, n even है तो वो काम करेगा, ठीक। यहां पे देखिएगा तो ये वाला तो सही है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। इसमें क्या है, ये तो करेगा पर आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो ये भी एंटी हर्मिशियन है। ये भी एंटी हर्मिशियन है। और ये भी क्या है, एंटी हर्मिशियन। समझ रहे हैं बच्चों, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, क्लैरिटी है। और ये वाला हमारा कैसा है, हर्मिशियन है। यस, चलो नेक्स्ट। अरे बताओ, ये लो क्वेश्चन करो, सॉल्व करके बताओ। लग जाओ, लग जाओ। भाई कोई तो बता दो यार, कोई तो बता दो, कोई तो बता दो भाई, कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो यार, कुछ तो। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ तो कर। चलो, एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर इसी का निकालना है। यस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स एक्स कॉमा पी स्क्वायर। और ये वाला आपको तरीका मैंने बता ही रखा है, ए बी सी, यहाँ पे कौन अलग है, सी अलग है, तो हमेशा सी को इसके बाद लिख दो, ये कोने पे इधर, हाँ है ना। यहाँ पे पहले ए है तो पहले ए लिखना शुरू करो, ए और फिर बी, और यहाँ पे पहले ए और फिर बी। क्लैरिटी है कि नहीं, यस और नो बोलो। तो अब आप इसी जगह पे एक्स एक्स कॉमा पी स्क्वेयर की वैल्यू लगा दो, देखो क्या बन गया है। या फिर इसकी जगह दूसरे वाला कर लो,
या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमा पी पी, ये भी कर सकता हूँ, आंसर हर जगह से सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कॉमा पी पी। अब इसके लिए क्या बन जाएगा, ए बी सी। अब ए अकेला है तो मैंने तो हमेशा बोला पहले प्लस के साथ में दोनों ये लगा लो, ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, ये साथ साथ होने के साथ अब ये ढूंढो अकेला कौन है, अकेला ए है, तो ए अकेला वाला तो हमेशा वहीं आएगा जहां पे है, मतलब लेफ्ट साइड पे, दोनों लेफ्ट साइड पे है तो ए वहीं आ गया। अब उसके बाद क्या है, बी पहले पढ़ता है सी बाद में पढ़ता है, तो बी यहाँ पहले, यहाँ सी बाद में, बी पहले और सी बाद में, चलेगा कि नहीं चलेगा, यस और नो। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर कॉमा पी पी की, क्या क्या बन जाएगा, पी बाहर एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा पी प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा पी पी बाहर, तो समझ। अब ये वैल्यू आपको पता ही है, एक्स की पावर एन कॉमा पी क्या होता है, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, एन एक्स एन माइनस वन है ना, और आई एच कट लगा दीजिए, और इंटू एन एक्स एन माइनस वन, यही बताया ना मैंने, हाँ ना, बोलो। तो यहां लगा दो, क्या बन गया, पी अंदर आई एच कट टू एक्स, तो टू आई एच कट एक्स लिख दू, प्लस टू आई एच कट एक्स पी, टू आई एच कट कॉमन ले लीजिए, क्या रह गया, पी एक्स प्लस एक्स पी, यस और नो, है कोई ऑप्शन, वही है। डी ऑप्शन, सो सिंपल, हाँ है ना, बोलो। यस, माहिर, माहिर का आया, बाकी सब तो, अरे हाँ है ना, बोलो, चलेगा चलेगा, यस। देखो बच्चों, मैंने बता तो रखा ही है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये ए बी इधर आ जाता है और सी इधर आ जाता है तब क्या करोगे, वही दोनों तरीका, सेम प्लस वाले दोनों इधर लिख लिए, और सी अकेला है तो सी इस तरफ है राइट साइड में, इधर लिख लिए, बाकी क्या बचा, ए और बी, ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में, चलेगा, यस। चलो अब आ जाओ, ये तो आपसे हो जाना चाहिए बच्चों, आई विश ये आप कर ले जाओ, अब तो ये आपसे हो जाना चाहिए, अब तो ये आपसे हो जाना चाहिए, इतनी मेहनत करने के बाद ये हो जाना चाहिए, चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी, पीपी आ रहा, पीपी पीपी, बीबी आ रहा, बीबी 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 बीबी, अरे बीबी आ रहा है, बीबी आ रहा है, बीबी आ रहा है, इनका भी बी आ गया, चलो चलो करते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, वन अपॉन रूट टू साई नॉट प्लस आयोटा साई वन फाई वन, यही दिया हुआ है, ठीक। मैंने पी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ सी वन स्क्वेयर, एवरेज वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन पूछा है तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ही तो पूछी है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, पी वन ई वन, पी सॉरी पी नॉट ई नॉट डिवाइड बाय पी वन ई वन, यही होगा। अब पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ सी नॉट का स्क्वेयर डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी नॉट का स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ सी वन का स्क्वेयर, यस और नो, है ना,
हाँ है ना, इसकी आइगन वैल्यू तो ये ई नॉट दे रखा है पहले से, इसकी आइगन वैल्यू ई वन दे रखा है। यस, अब देखो मॉड जब लेते हैं, जब भी कभी मॉड ले लिया तो आयोटा को नहीं छूना, माइनस को नहीं छूना, इन दोनों को देखना भी नहीं है, इन दोनों को देखना भी नहीं है। तलाक हो रखा है इनसे आपका, क्या हो रखा है? तलाक हो रखा है। क्यों तलाक हो रखा है भाई? मैंने मॉड ही तो कंसीडर कर लिया, मॉड में तो आयोटा भी आ गया माइनस भी आ गया, मुझे रियल वैल्यू चाहिए, रियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो सी सी नॉट है, सी नॉट को 1/√2 का स्केयर कंसीडर करो, तो यहाँ पे 1/√2 का स्केयर प्लस ये जो 1 है, आई है, आई को तो कंसीडर करना ही नहीं है बच्चा, ये शक्तिमान आप लोग बने हो इसीलिए रो रहे हो, हाँ है ना? तो ये आई को क्यों कंसीडर कर रहे हो आप? आई तो कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि आपको रियल और पॉजिटिव चाहिए। मॉड अगर निकालना हो तो निकाल लो ना, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप ये मॉड का मतलब तो समझते हैं ना, मॉड मॉड ऑफ, अगर मैंने ये लिखा मॉड ऑफ सी वन स्केयर, इसका मतलब होता है सी वन इंटू सी वन कॉन्जुगेट। मतलब जैसे ये आयोटा है C1, तो आई है, आयोटा कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस आई, तो ये वैल्यू बन जाएगा माइनस आई स्केयर, विच इज इक्वल टू वन ओनली, विच इज इक्वल टू वन ओनली। तो मुझे डरने की जरूरत होती ही नहीं, तो माइनस होगा तो भी प्लस होगा, प्लस होगा तो प्लस होगा ही, और अगर आयोटा होगा तो भी प्लस होगा, माइनस आयोटा होगा तो भी प्लस होगा। भाई उसका लेना ही नहीं है, ना आपने माइनस लेना है ना आपने आयोटा लेना है, यस और नो बोलो। यही गलती होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा था। आपको क्या लगता है क्यों लाके रख दिया आपके सामने? हाँ है ना, ना माइनस रखना है ना आयोटा रखना है, आपको उससे मतलब ही नहीं है भाई। बाकी छोड़ के रियल वैल्यू को उठाओ, सिर्फ कौन सी वैल्यू को उठाओ? रियल वैल्यू, कौन सी वैल्यू? रियल वैल्यू, कौन सी? रियल वैल्यू 1/2 / 1/2 + 1, तो 1/2 / 3/2, तो इट इज 1/3 ना, इट इज 1/3। एंड नाउ कम टू पी वन, पी वन पी वन सी वन का स्क्वायर डिवाइड बाय सी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय प्लस सी वन का स्क्वायर। नाउ व्हाट विल हैपन? 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, व्हाट विल हैपन? 1/3, 2/3, इट विल बिकम 2/3, व्हाट विल इट विल बिकम? इट विल बिकम 2/3। तो पी नॉट की वैल्यू आ गई 1/3, पी नॉट खत्म, ई नॉट 1/3 × E0 + 2/3 × E1, what it will become? It will become E0 + 2E1/3। Yes, क्यों गधो? अरे क्यों गधो, कैसा लगा? आंसर डी आएगा, बी नहीं आएगा। यस डी आएगा जी, माइनस तो आना ही नहीं है, माइनस क्यों आएगा? वो आप लोगों के लिए पहला ऑप्शन है बी, वो आप जैसे लोगों के लिए पहला ऑप्शन है बी। हाँ नहीं समझे? प्रियंका, माहिर, निखिल, समझ में आ रहा है कुछ? अरे आ रहा है भाई, बोल दो। हाँ कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? दिव्यांशु, हाँ दिव्यांशु बोलिए। दिव्यांशु बोलिए, आपने हैंड रेस पे क्लिक किया है, आपकी मतलब वो आ गया, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है कि गलती से हो गया? तो गलती लग रही है मुझे। अरे ठीक है बच्चों, हाँ बोलो दिव्यांशु। सर, ये इसमें नॉर्मलाइजेशन कौन, जैसे हम देख इक्वल टू 1 है और उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल कर फिर उसको अरे मल्टीप्लाई भाई कर दो। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यही तो आएगा। हाँ तो वही मैं मतलब इतना ना करके सीधे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल के सीधे इंटू कर दें और फिर उसके बाद तुम एक एवरेज बात एनर्जी। सोचो, तुम ये वैल्यू निकालोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे फिर वो करोगे, इससे आसान ये नहीं पड़ेगा? तुम पहले ये वैल्यू निकालोगे फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फिर वहां से कुछ वैल्यू निकालोगे फिर वो वैल्यू को स्केयर करोगे, यही करोगे ना? हाँ वही करेंगे। हाँ तो वो तो लंबा पड़ गया ना। तुमने यहाँ पे डायरेक्टली पी नॉट सी नॉट ये तो वैल्यू यहाँ भी निकाल रहे हो, पर तुम अब डायरेक्टली वैल्यू निकाल रहे हो तो वो ज्यादा आसान नहीं पड़ेगा? हाँ वो देखने की आदत अच्छी पड़ गई है, उसको आदत हो गई है इसलिए ऐसा लगता है, क्योंकि लोग पढ़ाते सी स्क्वायर है ना डायरेक्टली, तो वो पढ़ने की आदत पड़ गई है, और कोई दिक्कत नहीं है, वो लंबा पड़ेगा ये मैं श्योर हूँ। ठीक है आपकी मर्जी, अगर आपको वैसे भी करना है वो भी सही आएगा आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे सही है, हाँ ठीक है सर। हाँ जी निखिल जी, प्रियंका, माहिर,
समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया, इनसे तलाक कर लो भाई, इनसे तलाक कर लो। जब भी कभी प्रोबेबिलिटी निकालोगे इनको देखोगे भी नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए भाई, इनको नहीं देखना है, इनको नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। मॉड लिखा है ना मैंने यहाँ पे, मैं बार बार मॉड क्यों लिख रहा हूँ? यस चलो।